फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून और मैं हूं ज्योति। वेलकम करती हूं आप सबका अपने चैनल में। सो दोस्तों, आज फर्स्ट टाइम मुझे अपनी किसी रिएक्शन वीडियो के लिए ना बहुत रिग्रेट हो रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं किस वीडियो की अपनी बात कर रही हूं। तो अभी कल ही मैंने जो है मलिक फैमिली की जो है ननद साहिबा के ऊपर एक वीडियो बनाई थी कि मुझे उनकी उस वीडियो से बहुत सिंपथाइज हो गया था। मैं उनके इमोशंस में इतना बह गई थी कि मैंने रिएक्शन देने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगाया। और कहते हैं ना, अंदर की मेरी इंसानियत इतनी ज्यादा देख के पिघल गई कि मैंने बिना कुछ सोचे समझे उनके फेवर में जो है रिएक्शन दे दिया। और उनकी जो इमोशंस उन्होंने वहां पे दिखाए उस पर मैं एकदम से खो गई। और यही मैंने सबसे बड़ी गलती कर दी कि मैं ये कैसे भूल गई कि है तो ये लोग एक ही खून ब्लड रिलेशन, तो ये कैसे अपने भाई से किसी भी चीज में पीछे रह सकती हैं। बहनों की ही लाई हुई कॉन्ट्रोवर्सी है। बोलते हैं ना कि रावण की लंका भी नहीं ढहती अगर विभीषण जो है वो वहां से चुगलियां उधर ना करता। तो इनके घर की भी जो इनकी भी जो लंका है ना, इनकी जो काले कारनामों की जो लंका है ना, उसको डहाने में भी जो हाथ है ना, वो इन्हीं के घर की दो विभीषण औरतों का है। तो मैं ये कैसे भूल गई कि ये भी मलिक फैमिली का ही हिस्सा है, उन्हीं का खून है, तो ये कैसे उनसे किसी भी चीज में अलग हो सकती है। ये लोग रोए और रो रो के इन्होंने जो है आधी से ज्यादा जनता को पागल और बेवकूफ बनाया हुआ है। लेकिन जब एक अपने रोने के आंसू निकालता है तो दूसरे से वो चीजें, क्योंकि ये फेक रोते हैं तो दूसरे से बर्दाश्त नहीं होता, दूसरा आके इनका पोल खोल देता है। तो अभी बिल्कुल सुन्नी मुन्नी जो है फिर से आमने सामने आ चुकी है, फिर से इनकी कॉन्ट्रोवर्सी शुरू हो चुकी है। बड़ी रो रो के जो है वो अपनी एक कहानी सुनाई गई थी सपना द्वारा, और उस कहानी से मैं भी बहुत ज्यादा प्रभावित हो गई थी। और ऐसी बहुत सारी ऑडियंस होंगी जो उस कहानी से प्रभावित हो गई होगी, उनमें से एक मैं भी थी। लेकिन आज जो है वो सुन्नी दीदी ने फिर से इनकी पोल खोलते हुए बताया है कि एक तरफ पे जो है वो मुन्नी ये बोल रही थी कि मेरा को किसी ने सपोर्ट नहीं किया, मेरे साथ कोई था नहीं, मैंने जो किया अकेले किया, ऐसा किया वैसा किया, परिवार के किसी ने मेरा साथ नहीं दिया, मेरी माँ को कुछ नहीं पता था। वहीं पे जो है सुन्नी दीदी इनकी पोल खोलती हुई नजर आई हैं, इनकी धज्जियां उड़ाती हुई नजर आई हैं, और सच उन्होंने बताया है। सुन्नी दीदी ने इतनी तरीके से इनकी जो है वो पोल पट्टी खोल दी है। अब मैं क्या ही इनकी फैमिली के बारे में बोलूं। इनकी फैमिली तो ऐसी है ना कि हमें कहीं पे कुछ ढूंढने की जरूरत ही नहीं है। ये आके अपने परिवार की बेइज्जती खुद आके वाईटी पे करते हैं, और उसके बाद फिर रोते बिलखते हुए इनका भाई गुस्सा हो जाता है, हमारे घर के घरेलू पर्सनल मुद्दे कैसे आ गए, तुम्हारे घर के विभीषण जो है वो आके तुम्हारी लंका के काले कारनामे बताते हैं, तो हम इसमें क्या करें। तो उन्होंने बताया कि उन्होंने जो मुन्नी दीदी को जब बेबी नहीं हो रहा था 12 साल तक इनका, तो उन्होंने इनके लिए अपना बच्चा इन्हें देने का डिसीजन लिया था। मुन्नी दीदी ने अपनी माँ के साथ मिलके इस चीज के लिए अग्री हुई थी कि ठीक है तू बच्चा पैदा कर, अब पैदा करके मेरे को ये बच्चा दे देना, मैं इस बच्चे को गोद ले लूंगी। तो सुन्नी दीदी प्रेग्नेंट हुई, अपनी बहन के लिए बच्चा उन्होंने पैदा किया। और जब वो बच्चा पैदा हो गया तो सुन्नी दीदी जब हॉस्पिटल में डिलीवरी के टाइम पे पहुंची तो 3 दिन तक जो है वो मुन्नी दीदी ने जो है उनका फोन ही नहीं उठाया। तो जब उनकी माँ परेशान हो गई कि 3 दिन तक बच्चे ने ना तो माँ का दूध पिया, क्योंकि बोलते हैं ना कि अगर हम बच्चे को एक बार दूध पिला देते हैं तो बच्चे से मोह माया बन जाती है, और फिर उस बच्चे को किसी और को देना एक माँ के लिए बहुत ही मुश्किल होता है। सॉरी फ्रेंड्स, एकदम से खांसी का धसका आ गया। तो जब सुन्नी दीदी इंतजार करते करते थक गई और मुन्नी दीदी ने उनके कॉल का जवाब नहीं दिया, तो इनकी मम्मी ने बच्चे को लाके सुन्नी दीदी की गोद में डाला कि तू इसे दूध पिला। उनको बताया नहीं कि बात क्या हुई क्या नहीं हुई, बस ये बोला कि इसको दूध पिला। और बाद में उनकी मम्मी ने बताया कि मुन्नी दीदी ये बोल रही है कि हमें बेटा नहीं चाहिए था, हमें तो बेटी चाहिए थी। तो यार अभी तो इन्होंने कल रोते रोते ये बोला कि मेरी बेटी को इसीलिए प्यार नहीं किया जाता क्योंकि ससुराल वालों को बेटा चाहिए था, और बेटी होने की वजह से मुझे ससुराल में इतने ताने मिले। उस समय पे इन्होंने अपना पलड़ा उस बच्चे से इस तरीके से झाड़ा कि हमें तो बेटी चाहिए थी, ये तो बेटा हो गया। तो ये जो परिवार है ना, ये एक दूसरे के ही इतने ज्यादा दुश्मन है कि एक दूसरे की इज्जत की धज्जियां यहाँ पे उड़ाने के लिए आ गए हैं। आप किसी को भी कम मत समझिए, इनके आंसू में तो आइए ही मत, इनके आंसू जो है नकली है। जहां पे एक रोता है वहीं पे दूसरा हुआ रोते हुए वीडियो बना देता है, और ये तीनों भाई बहन एक जैसे हैं। और इंटरव्यू में अगर आप गौर करोगे तो इनसे जब ये पूछा गया कि आप क्या वापस से नाफरमान मलिक के पास जाओगे,
तो पहले तो उन्होंने अपनी वीडियो में कहा था, आज के बाद मेरा किसी से कोई लेना देना नहीं, आज के बाद तो मैं किसी के पास नहीं जाऊंगी। और उस इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि देखते हैं, वक्त बताएगा। तो भाई ये इन तीनों की मिलीभगत कंट्रोवर्सी करने की साजिश थी, जिसमें ये तीनों की ही मिलीभगत है और ये तीनों ही मिलकर जो है वो पब्लिक का बना रहे हैं बेवकूफ। इनमें से कोई भी साफ सुथरा नहीं है, सबके जो पास्ट है ना वो इतने गंदे हैं कि आप अगर उन पे बातें करने लगो ना तो आपका जो है वो सर फटके चूर हो जाएगा। लेकिन इन लोगों के ना काले कारनामों की लिस्ट जो है ना वो कभी भी खत्म नहीं होने वाली है। तो जो बहन अपनी दूसरी बहन को बच्चा पैदा करने के बाद जो है वो डिच कर सकती है, वो लाइफ में क्या नहीं कर सकती, वो अपने पति को भी डिच कर सकती है। फिर तो हम लोग कहानी सिर्फ एक तरफा सुनते हैं और उस कहानी में हम लोग इतना डूब जाते हैं कि हमें वही बंदा सच लगता है। लेकिन किसी ने सही कहा है कि हर कहानी के दो पहलू होते हैं, हम सिर्फ एक पहलू देखते हैं जो हमारे आगे आके बोलता है, लेकिन जो दूसरा पहलू होता है जिससे अभी तक जुबान खुली ही नहीं है, उस पहलू को सुनने के बाद ही हमें किसी कंक्लूजन पे पहुंचना चाहिए। तो अब बचे हैं इनके पति देव। आई होप एंड आई विश कि जल्दी से जल्दी इनके पति भी ये चैनल बनाए और आके अपनी बीवी का जो है वो जो है उनका पास्ट और उनके कारनामे भी हम सबको बताए, क्योंकि अपने पति की तो उन्होंने YT में बहुत अच्छे से इज्जत की धज्जियां उड़ा दी है, उनको एक इतना खूंखार वैशी दरिंदा पति साबित कर दिया है। तो अब पति का साइड सुनना भी जरूरी है। जब तक पति का साइड नहीं सुनेंगे तब तक बीवी के कारनामे हमें कैसे पता चलेंगे। वैसे इनके कारनामे सुनने के लिए इनके घर के ही लोग काफी हैं, वो आके खुद ही इनके बारे में बता देते हैं। तो ये बहुत ही गलत बात है कि जब आपका बच्चा नहीं था, आपकी बहन ने दिलदारी दिखाई और आपको बच्चा गोद देने के लिए तैयार हुई, आपकी वजह से उन्होंने फिर से अपनी प्रेगनेंसी जो है वो कंसीव करी और उसके बाद जब लास्ट मोमेंट पे बच्चा लेने की बारी आई तो आपने ये बोल के बच्चा लेने से इनकार कर दिया कि मुझे तो बेटा नहीं, मुझे तो बेटी चाहिए थी। तो वाह जी वाह। वैसे तो पेट के अंदर क्या है क्या नहीं है ये तो भगवान के अलावा कोई इंसान नहीं जानता, और अगर इंसान इस चीज का पता लगाने भी चाहे तो ये एक जुर्म है और इस जुर्म की सजा भी होती है। तो आप इस चीज का ना तो पता लगा सकते हैं, ना ही इस चीज पे आप किसी के साथ डील कर सकते हैं कि भाई ये बच्चा होगा या ये बच्चा होगा। तो शर्म आनी चाहिए इन दोनों बहनों के। तो उन्होंने परिवार की एक और बार नाक जो है वो डुबा दी। कुछ नाक इनके भाई ने डुबाई है, कुछ नाक मिलके दोनों बहनें डुबा रही है। खैर हमारे लिए तो बहुत अच्छा है ना कि ऑडियंस को इनके बारे में असलियत पता चल रही है कि ये खानदान कैसा है। इस खानदान का सिर्फ एक शख्स नहीं, ये पूरा खानदान ही ऐसा है। अभी तो इस खानदान के बहुत सारे काले कारनामे भी सामने आएंगे, बस सबूत का इंतजार है। जैसे जैसे सबूत आएंगे वैसे वैसे ही कारनामे बताए जाएंगे, और ये सबूत जो है इन्हीं के परिवार के सदस्य दे रहे हैं और उन्हीं के जरिए हमें पता चल रहा है। तो फ्रेंड्स आप बताइएगा कि आपका अब मलिक परिवार की दो राजकुमारियों के बारे में क्या कहना है। शहजादियां रावण की लंका की सूपनखा, वो तो एक सूपनखा थी, ये तो दो दो सूपनखाएं हैं। तो आप बताना कि आपका इन दोनों के बारे में क्या कहना है। और मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, दुआओं में याद रखिए। बाय, टेक केयर।